पहले से। तो यार दोबारा भी निकाल के जा रहा है आपका भाई, सेम जगह पे सेम कपड़े पहन के जो है आज हम अपनी एनिवर्सरी बनाने लगे हैं। कपड़े पता भी है मेरे कहाँ पर हैं? दिखाओ। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने पहना क्या था। याद नहीं है? नहीं। रंग क्या था उसका? हाँ कोई निकर शर्ट पहनी होगी मैंने। ये है तुम्हारा निकाह का ड्रेस। ओए होए 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 होए, बंदा स्त्री कर लेता है यार। तुम्हें फंसना भी नहीं है जितने तुम मोटे हो गए हो, ठीक है? शादी में पेट भर यहाँ आ गए। तो अरुण तुम्हें भी सिलाई दोबारा करानी पड़ेगी अपने निकाह की ड्रेस की, मोटी जितनी तुम हो गई हो। ड्रामेबाजी ना लगाओ भाई। ये है हमारा एनिवर्सरी का ड्रेस, ये तुम लोग मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा इंस्टाग्राम से उठा के। सेम कपड़े जो आप लोगों ने पहने थे और आज भी हम लोग सेम कपड़े पहने लगे हैं, आपकी मैंने संभाल के रखा हुआ है। कोई नई बात नहीं, तुम रोज सेम कपड़े पहनते हो। 2 साल पहले जो आपके भाई ने परफ्यूम लगाया था उसकी खुशबू अभी तक आ रही है, बुएं आ रही है। चलो अपना दिखाओ ड्रेस। ये लो जी मेरा ड्रेस। ओए होए 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 होए, रेडी रेडी होते हैं और उसी जगह पे जा रहे हैं हम जहाँ पे हमारा निकाह हुआ था भाई। मसा ही आया वैसे मुझे पूरा। तुम्हें नहीं लेकिन मुझे पूरा आ गया। झूठ ना बोलो, दोबारा से तुमने सिलाई करवाई है ताकि तुम्हें पूरा आ रहे हैं। मुझे अकेला मोटा बना के खुद जो है तुम पतली आ कर रही हो। मतलब अगर तुम पुरानी वाली रूप को देखो तो बड़ा फर्क है भाई। पुरानी वाली रूप या अब वाली रूप? पुरानी वाली। अच्छा रूप यार, अब अच्छा वाला एनिवर्सरी गुजारने जा रहे हैं, तुम ऐसे ही ड्रामेबाजी, तुमने लड़ाई शुरू कर दी है। अच्छा रूप बात तो सुन लो यार, हमारा डिनर शिनर रहता है ना उसके बाद नाराज हो जाना यार। वो हमने वैसे भी नीचे जाना है, वो कटे चले। और भाई ये चेक करें जी, हम लोगों ने जो है अपनी एंगेजमेंट रिंगें भी पकड़ ली हैं। ये वाली मेरी है, ये वाली रूप की है, और ये हमने दोबारा से पुरानी है एक दूसरे को। मैं तो कहता हूँ काड़ी साहब भी बुला लेते हैं। रिंग शिंग भी पकड़ ली है, आओ निकले भाई। ओए ओए खबरदार, जो तुमने खुद दरवाजा खोला भाई। चलो जी, नहीं तो पूरा साल ही कर लेना था तुमने। अरूप लास्ट टाइम भी बस निकाह के दिन जो है मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोला करता था, तो मैंने कहा आज हम वो अगर वो रिक्रिएट कर रहे हैं तो मैंने कहा तुम्हारे लिए दरवाजा ही खोल दें। तभी फंस गई, वरना तुम्हें मैं कभी मुंह भी ना लगाती। तो बाइनेंस का आ चुका है लॉन्च पैड जो है ओमनी टोकन का। इधर बाइनेंस ऐप पे आप लोग लॉन्च पैड पे जाओगे तो आपको ओमनी टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे आप BNB स्टे करके आप लोगों को ओमनी टोकन मिल सकते हैं सस्ती प्राइस में। और जब ओमनी टोकन बाइनेंस लॉन्च पैड पे लॉन्च हो जाएगा तो आप उसको महंगी प्राइस में बेच सकते हो। तो नीचे मैंने बाइनेंस की लिंक दी हुई है और आप लोगों ने मेरे लिंक से ही बाइनेंस को डाउनलोड करना है। ऐसा समझो कि ये जो टोकन है ना, ये तुम लोगों को प्राइवेट नहीं मिल रहे हैं, सस्ती प्राइस में। और जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा बाइनेंस के ऊपर तो ये प्राइस ज्यादा हो चुकी होगी और आप ज्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो। आप लोगों ने बाइनेंस लॉन्च पैड पे जाके ओमनी टोकन वाली जगह पे जो है ना आप लोगों ने कर लेना BNB स्टेक। मेरी लिंक पे ही आपने अकाउंट बनाना, मेरी लिंक पे जाकर रजिस्टर करना है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं क्रिप्टो की गेम आगे बहुत स्ट्रांग है, इसको मिस ना करना। तो वैसे तो अब अगर हम लोग हर चीज रिक्रिएट कर ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें जाना भी सिविक पे चाहिए था। है अच्छी बली ला थी, लेकिन अब तुमने पिंक करवा लिया तो मुझे जो है ना चलाने का दिल नहीं करता, वरना लोगों को लगना कि हमने जो है ना कोई गे मैरिज की है। खैर अभी चलते हैं जहाँ पे भी हमारा निकाह हुआ था, फिर मिलते हैं भाई। तो यार हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये थी हमारी जगह जहाँ पे हमारा निकाह हुआ था। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? भाई क्या तकल्लुफ कर रहे हैं? ये मेरे लिए जी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो है ना आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आज थी आपके भाई की जो है ना निकाह एनिवर्सरी की, और मैं ना घर से कुछ भी नहीं लेके आया, कोई गिफ्ट शिफ्ट, कोई फूल शूल कुछ भी नहीं। अब मैं एक काम करूंगा, ये आपका दिया हुआ फूल मैं अपने नाम से दे दूं अपनी वाइफ को, है मैं कह दूंगा मैं लेके आया हूँ, कोई मसला तो नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच यार। तो यार ये भी उन्होंने जो है हमें गिफ्ट गुफ्ट भी दिया, हम ये आपके को देते हैं। ये देखो क्या लेके आया हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल। कैसा फिर सरप्राइज दिया मैंने तुम्हें? कितने प्यारे प्यारे फूल जो है मैं खरीद के लाया हूँ तुम्हारे लिए। चल झूठा। कैसा लगा सरप्राइज? लिखा है ना? अच्छा हैप्पी एनिवर्सरी भी लिखा है, दिखाओ। ओए होए हैप्पी एनिवर्सरी भी लिखा है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस जगह पे जो है हमारा निकाह हुआ था, यहाँ पे स्टेज बिछा हुआ था, यहाँ पे जो है सारी गेस्ट वगैरह बैठे हुए थे, सही है। और हमारा जो है वो उधर डेकोर हुआ हुआ था, वहाँ पे हमारी सेटिंग वगैरह सारी लगी हुई थी। और आज से 2 साल पहले जो है हम लोग इसी जगह पे रिंगे बना रहे थे एक दूसरे को, दोबारा बनानी हमने। तो अभी जो है ना वहाँ बैठते हैं हम लोग, अपना खाना छाना मंगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। यही व्यू था सारा पीछे से, इस जगह पे हमारा लगा हुआ था सोफा शोफा। खैर अभी बैठते हैं, ठीक है रोटी वोटी मंगाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। हाँ well. ये क्या सीन है भाई? दिखाओ तो सही भाई। रूम हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आई है भाई। देखो मैं भी तो तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ ना बड़े प्यार से, तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी गिफ्ट लाना बनता था वैसे भी। झूठ बोल रहा है भाई। अरूप साहब हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है भाई, क्या है इसमें मुझे थोड़ा सा बताओ तो। नहीं कोई हिंट। पैकिंग शैकिंग भी करके आई है भाई, पूरा तैयार करके, देखते हैं इसके अंदर क्या है। आई होप यू लाइक। ये क्या भाई? और ये क्या मेरे चाइना माल लेके आ रही हो यार आजकल मेरे लिए? मेड इन चाइना है। कोई बंदा इटली से टर्की से कोई सामान मंगवाता है यार। खोलो ना इसको, बहुत प्यार से लाई हूँ। ये क्या लेके आई हो भाई?
ये ओनली होता है हाँ। तो यार रूम ने जो है हमें बड़ा क्यूट किस्म का जो है उसने डेकोरेशन पीस दिया जो छैया छैया भी करता है भाई। यहाँ से बत्ती ऑन करो ना इसकी। ओए होए 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 बत्ती शत्ती। अच्छा इन दोनों की हाइट डिफरेंस भी हमारी वाली है भाई। बड़ा प्यारा जो है ना रूप ने हमें छोटा सा डेकोरेशन पीस गिफ्ट किया है। अब हम रखेंगे अपने बेड पे सजा के। बेड का जो साइड टेबल है ना वहाँ पे हमने सजा के रखा होगा बस लाइफ टाइम। क्यूटी भाई थैंक यू सो मच यार। तुम्हें कैसे लगे मेरे फ्लावर्स? इसके अंदर एक और चीज भी है। खाली है ये तो। ओए ये क्या है? और ये तो तुमने खत लिखा है मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर देती। तो रूम ने जो है ना हमें प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाता हूं इसमें क्या है। अबे लांती तुम्हारी शक्ल है नहीं मेरे से शादी करने वाली। औकात अपनी भूल ना जाना कि तुम जैसे बंदे को मैंने मुंह लगा लिया। इतनी प्यारी लड़की इतने कोजे से लड़के को मिल गई यही बहुत बड़ी बात है। वरना तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने वाली। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार करो कि तुम जैसे कोजे लड़के को मैंने मुंह लगा लिया। भाई रूम ने तो बड़ी प्यारी चिट्ठी लिखी है यार हमें। मैन हु ब्रिंग्स ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस टू माय लाइफ हैप्पी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी योर रूब। ओए 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 अरूब बंदा गूगल से छापने की जगह अपने से भी कुछ लिख लेता है। गूगल पे तुमने लिखा होगा मैरिज कोट तो एनिवर्सरी कोट हाउ टू इंप्रेस हस्बैंड और वहाँ से जो तुम्हें मिला वो तुमने छाप के जो है लिखा दिया है। मजाक करूं भाई हम लोग जो है ये अपने वॉलेट में रखेंगे सारी उम्र के लिए। तो फूड भी हमारी आ चुकी है और हमने जो है ना शादी के अंदर फूड भी तकरीबन यही वाली मंगाई थी। राइस है ठीक है ये भी कोई सालन सुलन है ये भी कोई चाइनीज चुनीज है। ओए होए 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 ओए होए 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 चलो जी। ओए होए 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 मजा आ गया भाई मजा आ रहा है। तो खाना खाना मंगाते हैं ठीक है फिर हमारी रिंग सेरेमनी भी होनी है भाई। रिंग बनानी है हमने एक दूसरे को दोबारा। तो हमें छोटी छोटी बच्चियां जो है वो मिलने आई थी वो कह रही कि हमारे पास जो है ना फोन नहीं है कैमरा सेल्फी लेने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वीडियो बना लेते हैं। अब यहाँ से जो है ना वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना ठीक हो गया। एक बार पोस्ट तो कर दो ऐसे करके स्पाइडरमैन का कोई ऐसे करके ऐसे कोई। ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच। तो अब हमारी होने लगी है रिंग सेरेमनी दोबारा से 2 साल के बाद। मैं तो कहता हूँ मौलवी को बुला के जो है ना निकाल ही फरका देते हैं एक और दोबारा से हैं। ये आ गई जी अरूप की रिंग। हाँ तो आगे करो। ओए होए 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 मैडम की अभी भी ईद वाली मेहंदी लगी हुई है। चलो जी अब मेरी रिंग। चलो जी घर हम लोग पहुंच गए हैं। अपने भाई को यार नीचे हैप्पी एनिवर्सरी विश तो कर दो ना यार। देखिए भाई आर्मी यार इस तरह तो ना करो ना यार। एनीवे थैंक यू सो मच लव यू है तुम सबको। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय ब्लॉग को ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हमारी आगे आने वाली साल भी जो है इसी तरह हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी गुजारे जैसा ये 2 साल हमारे गुजरे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन।